ब्रिटेन आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है। इसके बाद से पूरी दुनिया पर मंदी की आशंका के बादल गहरे होने लगे हैं। कुछ महीनों में मंदी को लेकर लगाए जा रहे कयास अब सच हो सकते हैं। इस बीच ब्रिटिश सरकार इससे निपटने की कोशिश में जुट गई है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार ने मंदी पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया। सुनक की सरकार ने 5,500 करोड़ पाउंड का फिस्कल प्लान पेश किया। बीते दिन वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सरकार के इमरजेंसी बजट का खुलासा किया, जिसमें टैक्स की दरों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। एनर्जी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स को 25% से बढ़ाकर 35% तक कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर पर 45% का टेम्परेरी टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा टॉप टैक्स के दायरे में अब 1,25,000 पाउंड सालाना कमाने वाले लोग भी आएंगे। साथ ही सुनक की सरकार ने ऐलान किया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 2025 से एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी।